नमस्कार दर्शकों, कैनन मीडिया में आपका स्वागत है। झारा तहसील में रहने वाले युवक ने बीती रात 75 फीट गहरे कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। गनीमत तब रही जब आसपास खेत पर पाना कर रहे लोगों ने युवक की जान बचाई। युवक ने मीडिया से चर्चा पर बताया कि टीना मालविया नामक महिला द्वारा उसे बार बार फोन लगाकर पैसे की मांग की जा रही थी और पैसे नहीं देने पर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। युवक ने बताया कि पहले भी महिला ने उस पर झूठे प्रकरण दर्ज करवा दिया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। फिर भी महिला द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था, जिस कारण युवक ने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया। वह तो गनीमत रही कि पास के खेत पर पानी पिला दे रहे लोगों ने युवक की जान बचाई। जो टीना मालवी नामक एक महिला है, जिसको उसका पति लाखन मालवी जो झाड़ा में रहते थे, उसका मायका कंचेड़ में, वो आए दिन मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाते, कभी पैसे की डिमांड करते, जिससे प्रताड़ित होकर मैं आत्महत्या करने गया था। और इसने पूर्व में मेरे ऊपर 376 पास्को की धारा लगाई थी, जिसमें मैं माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया गया था। उसके बाद भी आए दिन मेरे ऊपर झूठी धमकी देती है कि मैं तो FIR करो, मुझे 10 लाख रुपए दिए, पैसे की डिमांड करती है, कुछ गहनों की मांग करती है, जो मैं पूरी नहीं करता तो मुझे धमकी दे के फंसाने की कोशिश करती है। और उसके पूर्व में भी एक बार महितपुर में 354 की कार्रवाई की गई थी मेरे ऊपर झूठी, जहाँ पे मैं उसको 54 की जो कार्रवाई होती है उसमें मैं गाया भी नहीं था वहाँ पे, और उसे झूठी में मुझे फंसाया गया था। कल भी क्या उसके द्वारा कुछ आपको प्रताड़ित किया गया? कल भी मुझे प्रताड़ित किया, मुझसे पैसे की डिमांड की गई थी और गहने की डिमांड की गई थी, मैंने मना करा था। फिर मेरे पिताजी को कॉल किया था उसने, और उसके बावजूद उस करने के बाद मैंने उसको समझाने का प्रयास किया तो उसने झाड़ा थाने में जाके झूठी FIR कर दी। इस वजह से आपने आत्महत्या की कोशिश की? क्या नाम है आपका? अंतिम देवड़ा। कहाँ के रहने वाले? झाड़ा। पहले उसने अपने में 354 लगाया था, उसमें न्यायालय ने बरी कर दिया। उसके पहले 354 लगाया था, उसका बटन चल रहा है। और कल फिर शाम को उसका फ़ोन आया मेरे पास में कि आपके छोड़े ने इंटरव्यू किया है, तो वो मेरे को नंगी नंगी गालियाँ बक रहा है, बस इतने फ़ोन करके फ़ोन काट दिया आपने। मैं दुकान पर गया इसके पास में, इससे बोला उनका हफ्ते ही रही जो आप गाड़ा दे रहते हैं मतलब उनके, तो इनने वापस बोला कि वह मरते बार बार फ़ोन कर मरते पैसा की डिमांड कर रही, तो मैंने तुम उनको फ़ोन ले लो। तो ऐसा बाद में इनकी कोई वापस कोई बातचीत होगी, तो फिर इसने जो है राष्ट्र कल शाम को थाने पर रिपोर्ट डाली, इसके खिलाफ रिपोर्ट डाली। हम भी आवेदन लेके गए, भाई हमारी रिपोर्ट लिख लो, तो जेल साहब ने मना कर दिया। तो जेल साहब ने मना करने के बाद में उनने जो है बोला कि भगा दिया हमें, 50 जने गए थे हम थाने पर रिपोर्ट करने के लिए, तो मेरे को भगा दिया वहाँ से, तुम भगवान यहाँ चलो, उससे पैसे वैसे ले लिए और FIR दर्ज कर लिए। अच्छा, यही साहब का क्या कहना था इस मामले में? यही सब बोले कि FIR दर्ज हो गई है, अब आप तुम्हारी FIR दर्ज नहीं करेंगे। अच्छा, एक आवेदन दे दो, हम आवेदन रख लेते हैं। आवेदन देने गया तो वापस यही साहब ने और दोनों मेरे को भगा दिया, अब आवेदन भी नहीं रखना है। अच्छा, तो इस कारण प्रताड़ित हो गया आपके बच्चे ने आत्महत्या कोशिश की? रात में घटने का और कब किस टाइम पर चला गया, वो जाकर हम कुएं पर गए, कुएं में गिरने के बाद में वहाँ से खेत पर जो पानी कर रहे थे उन लोगों ने जो है मेरे को फ़ोन करा रात में 4 बजे के, तो वो बोले कि तुम्हारा लड़का दारू पीता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। बोले कि यार उसने 2 बार फ़ोन करा, बोले कि वो कुएं में गिरा हुआ है और पाइप पकड़ के लटक रहा है, रस्सी और लेके आना, 5-7 जने लेके आना। तो फिर हम घर से 5-7 जने मुड़ लेके लेके गए और वहाँ से फिर रस्सी से निकाला इसको बांध के, हुआ कम से कम 75 फीट गहरा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? कैलाश देवना। ठीक है, कहाँ के नहीं रहने वाले? झावड़ा।